उसको साथ लेके चलते हैं ना, उसको क्यों अकेला छोड़ना है? वो क्या करेगी, रहेगी ना अपने आलीशान मकान में, क्यों वहां भी उसके बाप ने दे रखा है, किसके लिए छोड़ के जाएगी? तो मेरी बात नहीं समझता, ऐसे कि घर में रहना है ना, अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है। वो बात आपकी ठीक है, घर जमाई बनने वाली बात हो गई है। मम्मी कहाँ जा रही हो? चल नहीं नहीं, मैं यहाँ रहने ही, तो सुनो मम्मी, तुझे अपनी बेइज्जती, तुझे अपनी बेइज्जती करानी है क्या? बात तो सुनो मम्मी, आपके हाथ जोड़ बता, क्या सुन रहे हो आप? बोल क्या सुनाएगी तू मुझे? कहाँ जा रहे हो? अभी जा रही मैं अपने बेटे को लेके। मम्मी क्यों लेके जा रहे हो? ध्रुव क्या हो गया अब? पता नहीं यार क्या, मैंने तुझे बताया है ना, बाप बेटे मिलके हमें धमकी देते हैं अपने घर में रखने की। मैं आपके हाथ, इसका बाप कल आया मुझे बोल रहा है कुछ कुछ है। ध्रुव को लेके जाओ आप। नहीं हमें नहीं रहना यहाँ पे, अपनी बेइज्जती करा के। मम्मी कहाँ बेइज्जती? तुम रहो, तुम्हारा बाप रहेगा, अपने बाप को बुला ले, वो रहेगा। क्या बोल रहे हैं बाप आप? चल ध्रुव यहाँ से चल, मैंने बोला ना। देखो प्लीज मत जाओ, मम्मी हाथ जोड़ रही हूँ आपके, प्लीज मत जाओ। देखो बोला, मेरे को पता नहीं आपसे क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई। हाँ तो यही तो बोला कि हमें मकान की धमकी दे रहे हो। क्या इसका बाप? क्या धमकी? कि बाप रह रहे हो यहाँ पे माँ बेटा? मम्मी मेरे पापा ने ऐसा नहीं बोला है। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तो मेरे पापा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम सब कुछ करते हो, हम लोग झूठ बोलते हैं। तो मम्मी पापा, हम माँ बेटा ही बुरे हैं क्या? आपको खुद समझाने के लिए आए थे पापा। नहीं तुमने मुझे खुद ही यहाँ रखा, ध्रुव को यहाँ रखा हुआ है, तो और क्या, हम अपने अपने आप से आके बैठे हैं क्या यहाँ पे? मम्मी पापा समझाने आए थे, पापा ने ऐसा नहीं बोला। समझाने क्या आए थे? हम बेवकूफ है क्या? ऐसे कहाँ, हम बेवकूफ है क्या जो समझाने आए? पैक करके क्यों जा रहे हो? हमें समझ नहीं है। तो मम्मी इसमें बात क्या हुई, आप बैग लेके क्यों जा रहे हो? ये तो आपकी गलत ध्रुव, तुम मेरी बात सुनिए नहीं सुनिए बता। ध्रुव मुझे छोड़ के मत जाओ, देखो प्लीज मम्मी, अब तो सब ठीक है, अब तो मैं ध्रुव के साथ अच्छे से रह रही हूँ, ध्रुव भी मेरे साथ रह रहा है अच्छे से, हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है, तो आप ऐसे क्यों लेके? ध्रुव मैं तेरे को क्या कह रही हूँ, सुननी है मेरी बात नहीं सुननी है? हाँ सुन रहा हूँ। चलो हाँ तो चलो उठ के बताओ, आपको कह रहे हो कि उनके पापा ने बोल दिया ठीक है मेरा घर है वो। हाँ तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे कि उसने बोला होगा? तो फिर यहाँ पे पापा ने ऐसा नहीं बोला होगा यार। मैं पापा से बात करूंगी ना, बराबर बात करके देखो ना, अगर चलो बोला भी है जो भी है तो ठीक है, घर चलना ना, उसको साथ लेके चलते हैं ना, उसको क्यों अकेला छोड़ना है? वो क्या करेगी, रहेगी ना अपने आलीशान मकान में, क्यों वहाँ भी उसके बाप ने दे रखा है, किसके लिए छोड़ के जाएगी? नहीं, वो खुद रह लेगी यार, वो हमारे घर में रह लेगी ना। बस क्लियर सी बात है, अगर पापा ने ऐसा बोला होगा तो मैं पापा से क्लियर करूंगी, बात करूंगी आज ही। हाँ तो कर लेना कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो पर अभी तो हमें जाना है ठीक है, अभी तो हमें जाना है। बोला होगा पापा ने आपसे, कैसे बोला क्या नहीं बोला वो मुझे पता है, पापा की तरफ नहीं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पापा की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ, बट मम्मी ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, आप ऐसे घर बस गलतियाँ करो सॉरी बोल दो, गलतियाँ करो सॉरी बोल दो, उसे भी ले चलते हैं यार। अगर चलो ठीक है आपको नहीं यार, अगर मम्मी को नहीं रहना, ये मेरे साथ वहाँ नहीं रहना चाहती ना, ये अपने बाप के मकान नहीं रहना चाहती है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? आप अच्छे से तो रह रहे हो ना यहाँ पे, तो तू इसके साथ रहना चाहती तो झोपड़ी में भी रहे इसके साथ। तो मम्मी मैं झोपड़ी में रह लूंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ध्रुव को ऐसे लेके जा रहे थे इसलिए। तो कैसे लेके जाऊँ? तो मम्मी मत लेके जाओ। अरे हो सकता है उन्होंने मम्मी वैसे कह दिया हो, क्या पता कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, दूसरी टोन में आपको लग रहा हो कि हाँ सुना रहे हैं क्या किसी और वजह से? टोन वोन सब देखिए मैंने लोगों की, ठीक है टोन मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। कोई नहीं, वो एक बार क्लियर तो कर ले, वो भी क्लियर कर लेगी, मैं आई भी करती रहेगी क्लियर, क्या हो गया? मैं भी तो पूछ लेंगे पापा से, बुलाएगी रहेगी, क्योंकि मान लो मेरे पास वो जब भी आते हैं बात करने। चलो ठीक है, हमें ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और किसी को नहीं होती बात करने है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा ना, मेरे को ऐसा लगा। अगर हाँ आपको कहा, आप कह रहे हो मैं भी एक बार बात कर ले, तो मेरे को लगेगा अगर हाँ वो भी कहते हैं तो इसका मतलब क्या समझो? तुझे विश्वास नहीं है मेरे पे? अरे विश्वास की बात नहीं है, मैं तुझे तो बोल रही झूठ बोल रही हूँ क्या? मेरे को तो पूछने दो कि किस वजह से कहा है, बोलना है तो मेरे मुंह पे भी बोले ना, आपको अकेले में क्यों बोल रहे है, ये चीज मैं कह रहा हूँ। हाँ तो पूछता रही हो, ये भी पूछ लेगी। हाँ तो थोड़ी देर रुक जाओ, ज्यादा है तो अभी बुला के पूछ लेंगे या फोन करके पूछ लेते हैं कि भाई किस वे में क्या कहा है क्या नहीं कहा। गलत और सही मुझे नहीं पता, ठीक है नहीं कोई गलत वाला ठीक है क्या, मैं नहीं पता मुझे। अरे उसने थोड़ी लगाया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तुझे क्या पता, तू तो चला जाता है सुबह उठ के, दिन भर तो मैं रहती हूँ ना इसके साथ, सब कुछ नहीं पता होता फिर कहता हूँ, घर आके जब पता लगता है कहता तुझे पता नहीं, तुझे सब पता है, ये आप लोगों का डिसाइड। हाँ तो नहीं जाओगे ध्रुव, बैग रख दो, मुझे नहीं पता कहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे ध्रुव, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मम्मा क्यों जा रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम है? पापा ने बोल दिया होगा, पापा की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ, मैं पापा से पूछ रही हूँ। तू भी सॉरी बोलेगी? एक बार पूछ ही लो ना उनसे कॉल करके कि किस वे में क्या था, नहीं तो मेरी बात करा दो ना, खत्म घर आके क्लियर बात हो जाएगी, फोन करना ना छोड़ो आप, उन्हें बुला लेना एक बार अभी कल परसों, रुक जाओ जहाँ इतने दिन रुके, एक दिन की और बर्दाश्त कर लो, एक दो दिन आके एक बार मैं सामने से क्लियर कर लेता हूँ किस वे में क्या है। मतलब सारा कुछ यही है ना, इसका मतलब तुम लोगों ने मेरी बात सुननी नहीं। अरे सुननी, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ?
झूठ ये तो कह ही नहीं रहा कि झूठ बोल रहा हूँ, चलो बोलो होगा। हाँ, तो नहीं कर आँख बंद करके उठ के चल देना मेरे साथ। तो भाई मेरे माँ पे विश्वास है तो थोड़ा बहुत भाई, उन्होंने किस उसमें बोला है, मेरे को क्यों नहीं बोला? अपने बाप को बुला लियो ना, रह लिए यहाँ पे, हस्बैंड यहाँ है, सास मेरी यहाँ पे, तो मैं कैसे रहूंगी? आप खुद बताओ, आप दोनों के बिना पैसे क्यों कर रहे हो? कोई नहीं, एक दिन की और सब रह लेते हैं, ये ऊपर ही ढोकले हैं, ऊपर ही दिखावा है ये सारा। आपने किस उस वे में बोला है, क्या है, मेरे को क्यों नहीं बोला? क्योंकि मेरे साथ कर लियो बात, ठीक है, कर लियो बात, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं तो कर लियो। तो एक दिन की और बात है, रुक जाओ, एक बार कल आगे क्लियर हो जाएगी, खत्म बात। ये थोड़ी है कि आप अभी जबरदस्ती नहीं, आप बोल दिया अभी चल, अभी चल, अभी तो और क्या, तो चल देना चाहिए, उठ के बैग उठा के एक मिनट में मेरे साथ। भाई मेरे को भी तो पूछने दो, तो फिर वही है, उसी का ही साथ दे रहा है, मेरी तो बात सुन ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं लगता। मतलब आपको कोई कुछ सुना और आप चलते बनो भाई सामने, अगर किसी ने। हाँ तो उनका घर है ना, उनका घर है, उनका घर है, हम कैसे रह ले जबरदस्ती ऐसे हक से? तो फिर तेरा कैसे हो गया? हक से बोल दिया, फिर घर उसका है, उसके बाप ने दे रखा है, मेरी बीवी नहीं है, घर हमारा सबका है, ठीक है। उनसे बात करने दो, देखने दो क्या कहते हैं क्या नहीं, उन्होंने कहा भी है ना, अगर तो मेरे को भी तो जवाब देना ना, ऐसे चुपचाप सुन के तो जाऊंगा नहीं, अगर मान लो कहा भी है ना तो जवाब दे के जाऊंगा ना फिर, क्योंकि मेरी बात नहीं समझता ऐसे कि घर में रहना है ना, अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है। वो बात आपकी ठीक है, घर जमाई बनने वाली बात हो गई है, मेरे मुंह पे मीठे बनते हैं ना वो। हाँ तो घर जमाई बनना मैं भी तो आपसे जवाब दे के जाऊंगा ना फिर, ऐसे थोड़ी आपको पता है ना। हाँ तो वही बात है ना, तूने मेरी तो सुनी ही नहीं है, मैं कुछ बोल रही, तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे झूठ नहीं बोल रहे, बोलिए तो मैं जवाब तो दे के जाऊँ, एटलीस्ट आने दो मेरे को मुंह पे, मैं भी तो जवाब दूँ। जब वो आके आपको मुंह पे बोल गए तो मैं भी तो जवाब दूंगा, अगर ऐसा है तो। हाँ तो ठीक है, बुला ले, जवाब दे ले, जैसा तेरे को ठीक लगे तू कर ले, ठीक है। कोई नहीं, आप अंदर जाओ आराम से, एक दिन की सारी बात है, इतनी हबड़ा दबड़ी किस चीज की आपको? हाँ तो ठीक है, मैं आज रुकने को तैयार हूँ, ठीक है, कल होगा जो भी बात करनी, तुझे मेरे साथ चलना होगा। हाँ ठीक है, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सोच ले। अरे मत सुनना भाई, मत सुनना, ठीक है, ये लॉबी बैग अंदर ले जाओ आराम से। पता नहीं क्या रहता है इनका, सुननी नहीं है किसी की। मतलब तुम मुझसे इतना सा भी प्यार नहीं करते? नहीं हो तो क्या, मैं अपनी मर्जी से उठ के, मतलब प्यार नहीं करते, कम से कम वाइफ के अकॉर्डिंग ही मत जाते, पूछ लेते मेरे से ध्रुव। अरे भाई मैं कभी जा नहीं रहा था, जबरदस्ती उठा के ले गए, मैं तो आराम से बैठा हुआ था। तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो बिल्कुल? बात भी तुम्हारे आगे बोली है उन्होंने तो, नहीं ध्रुव मेरे को तो बात भी नहीं बताई थी। तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो बिल्कुल भी, जब भी तुम जा रहे थे ध्रुव मैं डर गई थी, तुम नहीं होते तो मैं कैसे रहती यहाँ पे इतने बड़े से घर में। तो भाई अभी भी तो मैं नहीं रोका ना, अगर तुम कह रहे हो प्यार नहीं करते ठीक है तो मैं रोकता, मैं तो चला जाता ना। नहीं करते, तुम नहीं करते प्यार मेरे से, मुझको ऐसा लग रहा है। फिर तो रुक के तुम एक काम करो यार, ठीक है चलो। पापा ने ऐसा नहीं बोला, पापा नॉर्मली बात करने आए थे। नहीं अब देखो ना, तुम्हें पता ना मेरे को पता कि क्या बात हुई, तो मेरे पापा ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है यार, ठीक है मैं मान गया चलो। बट तुम मेरे से प्यार नहीं करते मुझे इतना पता चल गया, तुम जा रहे थे, अगर मैं रोकती नहीं तो तुम मम्मी तुम्हें ले जाते हो, तुम चले जाते। मैं उन्हें तो बोल रहा नहीं था कि भाई जबरदस्ती क्यों जा रहे हो, रुक जाओ ये वो, छोटे बच्चे की तरह पीछे खींचता रहा अपने आप को। ध्रुव प्यार नहीं करते तो मेरे से बस पता है, मुझको सब कुछ पता पड़ गया। तुम एक काम करो भाई, सीधी सी बात है, एक बार पापा को फोन ही कर लो ना, बुला लो एक बार, क्या हो जाएगा, सामने सामने क्लियर हो जाएगी यार उनका। मैं पापा से बात करूंगी, बट मैं अब तुमसे बात नहीं करी बिल्कुल भी, मैं तुम तक गुस्सा हूँ। छोटे बच्चे की तरह तुम्हारे को भी लॉलीपॉप ला के दूं मनाने के लिए, अब